बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोढ़ी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि मंजिलें मिलती हैं लेकिन शुरुआत कौन करे, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होता है। बिहार से एक पिछले दिनों तस्वीर आई थी कि दलित समाज के जो नेता है वो एकजुट हो रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की भी क्यों ना हो, वहां पर उन्होंने मतभेद बुलाकर बीजेपी के, आरजेडी के, जेडीयू के, कांग्रेस के, थम पार्टी के, यानी तमाम जो पार्टियां एक दूसरे पर छेटाकसी करने से उब नहीं जाती, वो भी नेता आपको बता दें एक साथ मंच पर आए और आरक्षण के मामले को लेकर तस्वीर पेश की। कुल मिलाकर जो कुछ भी हो, लेकिन देश के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अगर अत्याचार हुआ या शोषण हुआ तो ये नेता जो है अलग अलग पार्टियों में भला ही है लेकिन एकजुट निकल कर आएंगे। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि इसमें पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, यानी कि इसके जो पीछे की कहानी थी, वो बिहार के मंत्री श्याम रंजक के थे, उन्होंने इस मामले में स्क्रिप्ट रची थी। अब आपको बता दें कि इस मामले की जो असर है अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब से मामला सामने आ रहा है जहां पर आपको बता दें कि दलित समाज के एक मंत्री ने, केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री है पंजाब की सरकार ने, उन्होंने आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और सरकार के एक मंत्री को सबक सिखाने के लिए दलित समाज के नेताओं की और विधायकों की गोलबंदी शुरू कर दी है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि पंजाब की घटना है, बिहार वाला यहां पर भी स्क्रिप्ट पार्ट टू लिखने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि पंजाब के दलित कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आपको बता दें इस समय अपने जितने भी साथी हैं दलित समाज के, कांग्रेस और गैर कांग्रेसी जितने भी विधायक है उनको संपर्क में ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका एक मंत्री दूसरे मंत्री से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, बस इसी बात को लेकर पूरी तरीके से है वो चरणजीत सिंह चन्नी है, वो ये चाहते हैं कि दलित समाज के नेता है वो एकजुट हो जाए, एक लामबद हो जाए, ताकि जो है उन पर किसी भी तरीके का कोई शोषण या जुल्म ना हो सके। इस घटना की पूरी जानकारी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है उनको भी है। और आपको बता दें कि अब इतना सब कुछ ये बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कांग्रेसी विधायक है, गैर कांग्रेसियों को भी संपर्क में लाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेसी जो विधायक है वो चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में आ चुके हैं और इसके चलते कांग्रेस की सरकार या पंजाब में कुछ कुछ डरती भी महसूस कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी स्क्रिप्ट जो है तैयार जो की गई है बिहार का जो है वो पंजाब में देखने को मिलेगा, मिल रहा है, मतलब धीरे धीरे कदम उठ रहे हैं क्या उसी तरीके से यूपी और यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान या अन्य इसी तरीके से करके क्या पूरे देश में एक पटल होगा, एक जगह बनेगी जहां पर दलित समाज के नेता एकजुट खड़े हो जाएंगे, एक मंच पर खा जाएंगे। शायद इसी समाज को लेकर ये बहुजन समाज भी जो है पूरा का पूरा समाज इस दिन के इंतजार में है कि जिस दिन पूरे देश के जितने भी नेता है बड़े बड़े वो एक मंच पर आ जाए तो शायद इन लोगों के लिए भी समस्या हो जाए और बहुजन समाज हुक्मरान जो बनने का सपना बाबा साहब ने देखा था, मानेवर साहब काशीराम जी ने देखा था, वो सफल हो जाए। मिलेंगे इस वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।